हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी डिस्पोजल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से असत्य पर सत्य की जीत का पर्व होलिका दहन का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से होलिका दहन का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग को पासवर्ड मिल जाए और आप लोग फाइल को डाउनलोड करके सेव कर सको। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी मैंने सेव करके रखा हुआ है, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड रहेगा। अब इस बैकग्राउंड में हम लोग दोस्तों एक एक PNG को सेट करके अपना पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम लोग PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ बीच वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और राइट साइड स्क्रॉल करके रिलेटिव साइज़ पे क्लिक करेंगे। इसका रिलेटिव साइज़ बढ़ा के हम लोग 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। उसके बाद वापस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से एक और PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के हम लोग 100 कर देंगे, फिर ओके कर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 2 फोटो PNG यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद वापस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से एक और PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के हम लोग 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर तैयार हो गया है। अब इस पोस्टर में नीचे की साइड पे हम लोग अपने चैनल का इंट्रो, चैनल का नाम और यहाँ पे अपना फ़ोटो PNG सेट कर सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल का इंट्रो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से चैनल का इंट्रो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर यहाँ ओके कर दे। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का आइकॉन बना है। उसके बगल में हम लोग अपने चैनल का नाम और यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल का नाम सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से चैनल का नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर यहाँ ओके कर दे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने चैनल का नाम सेट कर दिया। आप लोग यहाँ पे अपने चैनल का नाम और यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो। अब यहाँ राइट साइड कॉर्नर में जो जगह खाली है वहाँ पर हम लोग अपना फ़ोटो PNG सेट करेंगे। तो मैंने अपने बेटे का फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से फ़ोटो PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे। इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी, इस प्रकार से हमारा पोस्टर तैयार हो गया। अब दोस्तों, इस पोस्टर में आप लोग को जो भी चेंज करना है वो आप लोग PLP फाइल में चेंज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके PLP फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों,
इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में पीएनजी सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।